यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। राजस्थान आते ही इसलिए भी मन गदगद हो जाता है कि हमारे कवि परिवार के बड़े लोगों ने कहा कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, तो मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छाव की परंपरा, इसकी रजरज में कणकण में इतिहासों के गौरव क्षण है, हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है, है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला, बेटे संघर्ष पहनते हैं बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा, रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान। जिंदाबाद, वाह 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 राम, आपकी चेतना और जागृत हो, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे, और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। गर्व करिए कि इस मिट्टी में है, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वह राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वह राजस्थान जहां पर लोहा अरे तल में भर देते हैं, वह राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं। वाह 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 वाह, अब आपका आशीर्वाद मांगता हूं, यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन न होता। सही बात, स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के, और भय रखते थे राणा जूतियों की नोक पे, दिखती जहां पर क्रूरता राणा वही ललकारते, क्रूरता पर वीरता का ध्वज रहे वो गाड़ते, क्रूरता आई थी जो अफगान से ईरान से, टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान। जिंदाबाद, जय जय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। जिंदाबाद। मैंने कहा कि यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, तो कुछ पढ़े लिखे बोले भाई साहब कि राम तुम्हारे व्याकरण में दोष है, तुम्हारे उच्चारण में कमी है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे लकड़ बग्गो, मेरा देश
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। स्वाभिमान को जीने वाली ये धरती कोरोना काल के भयानक दो वर्ष के बाद जिस दिन लॉकडाउन खुला उसी दिन हम 250 करोड़ की दारू पी गए। हम सूरवीरों के वंशज, माफ करिएगा, उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है, गर्व करने के लिए यह देश हिंदुस्तान है। वाह, इससे ज्यादा और तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। विश्व में इससे भी सुंदर है अगर कुछ तो दिखाओ। एहसान मानो इसका कि ये धरा तुमको मिली, जिंदाबाद, मौसम मिले, नदियां मिली, माँ उर्वरा तुमको मिली। कष्ट तो इतना है, जिनके घर थे वो बेघर मिले, इस देश के लोगों से ही इस देश को दो स्वर मिले। एक स्वर है भोग का, तो एक स्वर बलिदान का, एक स्वर केवल पतन का, एक स्वर उत्थान का। इस देश के दो गीत हैं, एक चुनकर गुनगुनाओ। मैंने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। वाह, बहुत अच्छे। अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित तो रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे राम, बहुत। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। 70-75 वर्ष के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला बता रहा हूं। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। राम अवतार त्यागी जी ने कहा, मुजफ्फरनगर से मुझे देशभक्ति की इससे बड़ी पंक्तियां नहीं लगती। उन्होंने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। और हम क्या कह रहे हैं, बिजली दे दो, हैंडपंप दे दो। अभी मोबाइल दे रहा था एक, वो तो बच गए। बोले लैपटॉप दे दो, युवाओं के मस्तिष्क में बैठा दिया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। क्या बात, अब वो खड़ा है पुलिया के बाहर, सरकारी संपत्ति को चलाने मरने तक के लिए तैयार है और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। क्या बात। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। नौजवानों, संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। क्या बात। श्लोक आता है, आपकी चेतना जागे, काश्यप परमेश वाचा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोक कर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। और माफ करना, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। ताली बजाओ, मैंने अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है,
चीर कर दिखाइए, और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। जिंदाबाद जिंदा। अच्छी बात कही, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर राम बदावर के लिए, उसके विचारों के लिए तालियां बजा, बोले भारत माता की जय। वाह भाई राम, वाह वाह वाह, क्या बात कही। आपकी तालियां इस बात पर उठेंगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस पर ध्यान दे, आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है, और आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। बहुत बढ़िया, अद्भुत माहौल है देश में, पूरा विपक्ष इकट्ठा है कि मेरा संगठन नहीं बन पा रहा है, वो तमाम चौपतियां इकट्ठे हैं। मंच की मर्यादा है इसलिए चौपतियां कह रहा हूं मैं, नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूं। जो आप समझ गए, वो तमाम इकट्ठे हैं और कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बनता। आदरणीय विभाग प्रचारक महोदय और संघ के लोगों का सम्मान हुआ मंच पर, वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बन रहा। मैंने कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनलों के माइक सामने रखकर भाषण देने से संगठन बनते और चलते नहीं है, संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ठंडे पानी से लाकर ध्वज नहाकर छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा वत्सले मां। राम राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद। बहुत बढ़िया राम, बहुत बढ़िया राम। तब संगठन चलते हैं। उन्हीं के लोगों ने भारतवर्ष जैसे गणराज्य के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर कहा कि सनातन धर्म तो डेंडू है, मलेरिया है। मैंने उसी दिन कहा कि सनातन धर्म डेंगू है लेकिन प्लेटलेटें अब तुम्हारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। अरे जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, मुखर होइए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि फलाने को बुरा लगेगा, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा, कल मरता हो आज मर जा। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है भोले भी है पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं निभाने हैं इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम जिंदाबाद। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम, और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है। जिंदाबाद, शाबाश राम, शाबाश। और आपकी चेतना अब जागे, लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं कबूतर नहीं है हम, हम राम थे हम राम हैं और हम राम रहेंगे, राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। वाह 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 वाह। और मैं क्यों नहीं बोलूं, मुझे आपके वोट तो चाहिए नहीं, वो नहीं बोले जिसको वोट चाहिए, उनकी अपनी कार्यशैली है, आवश्यकता है। निवेदन करना चाहता हूं, आज जीत का नया पैगाम लिखा जाएगा, गर्व करना जिस समय काल में आप हैं, आज जीत का नया पैगाम लिखा जाएगा, सदियों में जो हुआ वो काम लिखा जाएगा, नाम वालों का नया नाम लिखा जाएगा, दाम वालों का दिया दाम लिखा जाएगा, जो हराम है उन्हें हराम लिखा जाएगा, और भारत के नक्शे पर राम लिखा जाएगा। जय जय श्री राम, वाह 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 राम। ये जय श्री राम मत बोला करो आप लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं वो पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, और वह कहते हैं
कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, यह हिंसक नारा है। एक बात और कहते हैं, जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है, और भगवान राम से माता सीता को अलग करने वाले लोग राम के नहीं हो सकते। तो मैंने कहा, अरे चौपतिये, किताब का इंडेक्स ही नहीं पढ़ना होता है, भीतर भी पढ़नी पड़ती है। अगर जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है तो ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है, यही लक्ष्मी। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। अच्छा, वो तीन चार और उठे, बोले कि तुम्हारा समय आया तो तुमने मंदिर बना लिया, हमारा समय आएगा तो हम तोड़ के मस्जिद बना लेंगे। ये वो नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा समय आएगा तो हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देंगे। तो मैंने कहा, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे, बंधे हुए हाथ खोलना, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। वाह 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 वाह, भगवाए हिंद, क्या बात लाया है, बहुत बढ़िया भाई पर। अरे भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है, हलवा थोड़ा ही है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा धारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए, भगवा पाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है दुश्मन पर काल समान बरसता है उसको खा जाता है, भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। जिंदाबाद, वाह 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 राम वाह। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, जब आप लोग सुबह 9-10 बजे नींद से जागकर अपनी आंखें खोलते हो, तब तक वो एक भैंसा काट के 10,000 रुपए पैदा कर लेता है। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है केवल दो नयन नरोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां शंख तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो, सत्कार आस्था का करिए। जो टिकी रही युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। मैंने ये पंक्तियां पढ़ी आदरणीयों, तो लोगों ने कहा कि मंदिर बन गया है राम, अब भाईचारे की बात करो। एक भाईचारा आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। भाईचारा ये है कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया।
राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया, हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया, आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम, भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। आपकी तालियां और जयकारा इसलिए भी उठे कि अयोध्या के बाद आज कल कोर्ट ने भोजशाला की भी अर्जी स्वीकार कर ली, वहां भी माता शारदे का मंदिर बनने वाला है। वहीं से भाईचारे में एक बार तो, अरे तंबू में थे राम लला और महलों में मारिच रहे, वो चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालता है, पहिए वाली अटैची सर पे धरता है, तंबू में थे राम लला और महलों में मारिच रहे, रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं, युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं, युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा, और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। वाह वाह वाह, ये माहौल की बात है, ये आपके कोलाहल की बात है, ये आपके चेतना की बात है, वरना जो कुंदी मत खड़काओ राजा गाने वाला बॉलीवुड पिछले 5-7 सालों में कह रहा है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बहुत अच्छे, बढ़िया बात। मेरी कविता की एक पंक्ति भी अच्छी लगी हो, एक अक्षर भी ठीक लगा हो, जिंदाबाद, और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 1.5-2 दशकों में आपके शहर में जो माहौल पनपा है उसको ठंडा मत पड़ने देना। अरे इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने, जिंदाबाद, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने, अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा, मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को, समय बदलना था तो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई, तो अरे राम भक्तों पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह ऐवान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। मैंने ये कहा तो लोग बोले तुम तो डलवाली कभी हो, तुम दरबारी कभी हो, तो मैंने कहा मेरा दरबार भारत माता का दरबार है, जो इस दरबार में खड़ा होगा बस केवल वही मेरा है। निवेदन करना चाहता हूं, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, अंतिम बात कहकर अपना स्थान ले रहा हूं, और केवल आप लोग रेखांकित करें, जनता तो कुछ भी चाहेगी, भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन को चले गए, पीछे पीछे भरत जी गए, खड़ाऊ लेकर वापस आ गए, खड़ाऊ रख दी सिंहासन पर, 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर सेवा की, ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, मुझे नहीं पता इसका दर्शन इसकी फिलोसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है आदरणीयों अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी को कोई समस्या इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। वाह,
कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? प्रमाण लेके आइए, बिन पग चलाए सुनाए बिन काना बिन कर कर्म कराए भी दिनाना। पूरा सदन इसके विचारों के लिए एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए। राम भदावर ने बहुत ही, और नौजवानों डरना नहीं भयंकर रण से, डरना नहीं प्रलय से, डरना नहीं कराल मृत्यु से हार और सुभचय से, डरना केवल जिंदा रहते मर जाने से डरना, और भरी जवानी में सोने से सुस्ताने से डरना। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले?